Hi everyone, I'm Shivani Kanojia. Welcome to Unfiltered Opinion, an initiative by Unacademy. I have qualified NTA UGC NET exam of June 2020. आज मेरे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर ज़्यादातर एस्पिरेंट्स पूछते हैं, तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूजीसी नेट एग्ज़ाम? ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हम लेक्चरशिप के लिए एंड डिग्री कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए, प्रोफेसरशिप के लिए एंड JRF के थ्रू हम PhD एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें हमें स्कॉलरशिप दी जाती है। व्हाट इज़ द एज लिमिट टू अप्लाई फॉर द UGC नेट एग्ज़ाम? 18 to 30 ईयर इन जनरल कैटेगरी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर नेट एंड JRF बोथ। बट अगर आप नेट के लिए कर रहे हैं तो आप इसकी कोई लिमिट नहीं है, नेट आप किसी भी एज में दे सकते हैं। व्हाट आर द बेस्ट बुक टू प्रिपेयर फॉर UGC नेट पेपर 1 एग्ज़ाम? इसके लिए आप KBS मैदान की बुक फॉलो कर सकते हैं या फिर नवजीत कौर मैम की भी बुक फॉलो कर सकते हैं। हाउ टफ इज़ टू क्रैक UGC नेट एग्ज़ाम? ये एग्ज़ाम ईजी भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है कि क्रैक ना किया जा सके, तो अगर आपका ये गोल है तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। हाउ मैनी पेपर्स आर कंडक्टेड अंडर UGC नेट एग्ज़ाम? कैन यू गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट ऑल द पेपर्स? देखिए, इसमें दो पेपर्स आते हैं, एक पेपर 1 जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और एक पेपर 2 जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, वो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर everyone. व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोच ऑफ UGC नेट एंड JRF? अप्रोच देखिए, पेपर एकदम सेम होता है, पेपर नेट और JRF का पेपर अलग नहीं होता है, दोनों सेम होता है। बस जो बहुत हाई स्कोर करता है उसको JRF मिलता है एंड जिसका थोड़ा मीडियम स्कोर होता है तो वो नेट होते हैं। What are the benefits of qualifying JRF? JRF अवार्ड में ये होता है कि आपको 3 साल के अंदर PhD में एडमिशन लेना होता है, जिससे आपको एक फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है जो आपको रिसर्च में हेल्प करती है, एंड 3 ईयर्स के बाद ये सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, तो आपको 3 साल के अंडर में ही एडमिशन लेना होता है। Can UGC NET be cracked in the first attempt? इट्स ऑल अबाउट अप टू यू, बिकॉज अगर हम पहले से गोल अपना सेट करते हैं, पहले से प्रिपेयर करते हैं, आप अगर 6 महीने पहले से ही इसको अच्छे से इसका सिलेबस प्रिपेयर करेंगे, इसकी PYQs एंड पूरी प्रिपरेशन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। व्हाट शुड ऐप द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टू क्रैक UGC नेट? एंड आई थिंक सिलेबस एंड PYQ क्वेश्चंस आर द बेस्ट, इट्स अ की फॉर द क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। इज़ PhD नेसेसरी आफ्टर क्लियरिंग UGC नेट? ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये एग्ज़ाम करके PhD ही करें, आप PSUs में जा सकते हैं, आप लेक्चरशिप के लिए भी जा सकते हैं विदाउट PhD। डिग्री कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में PhD का बोला जा रहा है कि कंपल्सरी हो सकता है, बट अभी इसका कुछ ऐसा आया नहीं है। विच इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर फॉर UGC नेट एग्ज़ाम? मैंने अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के थ्रू ही की है, तो आई फाउंड आउट इज़ द बेस्ट। आर BTech ग्रेजुएट एलिजिबल फॉर UGC नेट? देखिए, आपको नेट की परीक्षा देने के लिए मास्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है, तो बैचलर डिग्री से आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन NTA UGC नेट एंड CSIR UGC नेट? NTA UGC नेट ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स के लिए होता है, जबकि CSIR नेट UGC नेट आपका साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए होता है, और CSIR में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जबकि UGC नेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ द UGC नेट एस JRF अवार्ड लेटर? हाउ कैन ए कैंडिडेट यूज़ इट फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स? तो जो आपका JRF अवार्ड लेटर होता है वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। 3 ईयर्स के बाद आप नहीं एडमिशन लेंगे तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा। आप लेक्चरशिप में जा सकते हैं, अगर आप PhD कंप्लीट करते हैं तो आप प्रोफेसरशिप में जा सकते हैं। इट्स अ रेपुटेटेड जॉब।
स्टूडेंट्स फ्रॉम विच ऑल स्ट्रीम्स कैन अप्लाई फॉर UGC नेट एग्ज़ाम? नो, सारे ही स्ट्रीम के अलाउ नहीं हैं इसमें, बिकॉज UGC नेट एग्ज़ाम आप उस सब्जेक्ट में दे सकते हैं जिसमें आपने मास्टर्स किया है. कैन ए कैंडिडेट अप्लाई फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन द UGC नेट एग्ज़ाम? नहीं, आप जिसमें मास्टर्स होते हैं आप उसी सब्जेक्ट में आप NTUGC नेट पास कर सकते हैं. हाउ टू बिल्ड एंड स्ट्रेथन योर ओन फाउंडेशन फॉर UGC नेट? अगर आप ग्रेजुएशन लेवल से या मास्टर्स स्टार्टिंग से अगर आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाते हैं एंड पेपर वन को भी धीरे धीरे कंप्लीट करते चलते हैं, तो डेफिनेटली आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा बनेगा और आपका एग्ज़ाम जल्दी क्लियर होगा. हाउ टू डेवलप मेंटल इंड्योरेंस फॉर द UGC नेट एग्ज़ाम? प्रिपरेशन ओनली थ्योरेटिकल नहीं होती है, आपको मेंटल लेवल पे भी प्रिपेयर करना पड़ता है. लाइक दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट जिसने पूरा सिलेबस कवर किया है लेकिन उसने मेंटल लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है, ना ही PYQ के हैं, तो उसका सिलेक्शन शायद 1% ना हो. लेकिन एक स्टूडेंट जिसने PYQ किया है और अच्छे से हाईलाइटेड टॉपिक्स को रीड किया है, उनको समझा है, रिवीजन किया है एंड मेंटली आपने आपको प्रिपेयर किया है कि यस आई कैन, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं. हाउ टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस और द डिस्ट्रैक्शन फाइल प्रिपरेशन? देखिए, इसमें क्या है कि अगर आपका गोल क्लियर है, अगर आपका गोल पे फोकस है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई डिस्ट्रैक्शंस एंड कोई डिस्टर्बेंस आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से रोक सकते हैं. तो आपका अपने गोल के प्रति फोकस्ड होना एंड पैशनेट होना बहुत इन मैटर करता है, तो कोई डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंस आपको नहीं रोक सकता. तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स पूछा करते हैं. सो अदर कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें.